अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वो आज बनाएंगे भिंडियाँ, बहुत ही जल्दी झटपट में तैयार हो जाने वाली हम बनाएंगे सब भिंडियाँ, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती हैं। तो चलें अभी साफ़ कर लेते हैं और काटते हैं। दोस्तों ये हमने काट ली हैं और भी काटते हैं और झटपट में तैयार करते हैं भिंडियों का सालन और साथ में होंगी गरम गरम तंदूरी रोटी। चलिए जनाब भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, आधा किलो हमने भिंडी ले ली लेडी फिंगर्स। अभी जो ना बनाएंगे मज़ेदार और टेस्टी अपने अंदाज में आज की रेसिपी। तो जो दोस्त नए आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। जना जना चूल्हा ऑन कर दिए और कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, पानी खुशक हो जाए। अभी सबसे पहले घी डाल देंगे। चलें जी अभी घी डाल दिया हमने, घी को गर्म होने देते हैं। घी को अच्छी तरह गर्म करके हमने सबसे पहले ना भिंडियाँ जो है ना फ्राई करनी है। चलिए घी गर्म हो चुके हैं, अभी घी भिंडियाँ डाल दी हैं, भिंडियों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना इस तरह कुक करना है। आप भी इस तरह बना के खाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। जो बच्चे या बड़े या घर वाले नहीं खाते इस तरह बनाएं तो इसका भिंडी का जो है जायका डबल हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तभी जो हम शामिल कर देंगे प्याज, ठीक है, 2 अदर कटे हुए जो है ना चॉप किए हुए प्याज डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे। अभी शामिल कर देंगे टमाटर, 2 अदर जो है ना चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। अभी हम 1 से 2 मिनट जो है इनको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। एक से दो मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। अभी मसाले डाल देते हैं, 1 चम्मच जो हम सूखी मिर्च डाल रहे हैं, रेड चिल्ली, और तकरीबन 1 ही चम्मच जो है ना वो हल्दी डाल रहे हैं। फिर में 1 चम्मच जो है ना नमक डाल दिया। अभी इसको मिक्स कर लेंगे, मसालों को मिक्स कर देते हैं। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, अभी हमने मिक्स कर दिया। अभी हम जो है ना इसको जो है ना 1 से 2 मिनट जो है ना पकाएंगे, उसके बाद इसको दम लगा देंगे। 8-9 मिनट दम लगाएंगे, 10 मिनट तो हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, झटपट में तैयार। अभी जो हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देते हैं, देखो आँच हल्की कर देनी है। 10 मिनट के लिए जो है हमें इसको दम पे लगा देना है। ठीक है जनाब, दम लगा दिए, 10 मिनट तक इंतजार करते हैं और दम लगा दिए। अभी 10 मिनट तक आपके इंतजार करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी है। अभी गरम गरम जो है ना चपातियाँ बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये ना जी साथ गरम गरम जो है ना हम चपातियाँ बना रहे हैं, तवे वाली चपाती। दोपहर की गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं तो भिंडियों के साथ अपना ही इनका मज़ा होता है। चलें जनाब अभी चेक कर लेते हैं, दम 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं, अभी डिश आउट करती हैं और गरम गरम तवे की रोटी के साथ खाते हैं। कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार भिंडियों की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अभी गरम गरम जो है ना तवे की रोटी के साथ खाते हैं। ये ना जनाब गरम गरम, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।